पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबुद्ध डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर के साथ 100 बस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन समारोह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। 322 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण होना है, साथ ही साथ हरेक जयंती का भी शुभारंभ हुआ है। वही राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम भूपेश ने 700 बस्तर अस्पताल के लिए मेडिकल विभाग को बधाई दी है और साथ ही साथ मेडिकल के छात्रों को भी शुभकामनाएं दी है। बस्तर से हमने शुरुआत की और पूरी छत्तीसगढ़ में इस अभियान को चलाया और आज एक काफी संतोष हो रहा है कि जो पहले जो मलेरिया के जो परसेंटेज थे उसमें बहुत कमी आ गई। उसी प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी बीमारियां जिससे लोग पीड़ित होते थे और बाद में इलाज नहीं मिलने के कारण से वो रोग बढ़ जाता था और तब नेकारा या प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा दबाव रहता था। आज निचले स्तर से हाट बाजार क्लिनिक योजना से शुरू करके शहरी स्वास्थ्य केंद्र योजना, इनके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे जो जांच है वहीं से मिलना शुरू हो जाता है और बड़ी बीमारियों की जानकारी वहां हो जाती है, तत्काल रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उन बीमारियों में भी अब नियंत्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में होने लगा है। आप देखेंगे कि किसी भी संस्था हो, किसी भी व्यक्ति हो, उसके जो परीक्षा है वो तब तब माना जाता है जब संकट के समय उसका व्यवहार किस प्रकार से रहता है और संकट में किस प्रकार से उसका सामना करते हैं। मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर हैं, नर्स है, पुलिस स्टाफ है, वैश्विक महामारी के समय में जब सारे लोग हाथ उठा देते, पूरे देश में स्थिति ये थी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन लिए सड़कों में घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने और डॉक्टरों ने और दूसरे विभागों ने, उसमें नगरीय प्रशासन भी कह सकता हूँ, पंचायत विभाग भी कह सकता हूँ, इन सब लोगों ने जो काम किया है वो अद्भुत है और अतुलनीय है।